नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों दिन भर 11 स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए एक एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय नेवी को लेकर। अरब सागर में भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है। भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वजीर का दक्षिण मुंबई स्थित मझगांव में इसका जलावतरण किया। ये पनडुब्बी दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है, साथ ही ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। वजीर पनडुब्बी भारत में बन रही 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। इस पनडुब्बी को फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS ने डिजाइन किया है और भारतीय नौसेना की परियोजना 75 यानी कि P-75 के तहत इनका निर्माण हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ये पनडुब्बियां सतह पर पनडुब्बी रोधी युद्ध में कारगर होने के साथ खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और इलाके में निगरानी करने में सक्षम है। इस पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर की शिकारी मछली वजीर के नाम पर रखा गया है। पहली वजीर पनडुब्बी रूस से प्राप्त की गई थी, जिसे भारतीय नौसेना में 3 दिसंबर 1973 को शामिल किया गया था और 7 जून 2001 को यानी कि करीबन 3 दशक सेवा देने के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने कहा कि स्कॉर्पिन पनडुब्बियों का निर्माण MDL के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये आसान काम भी कम स्थान में पूरा करने की वजह से चुनौतीपूर्ण बन गया था। रडार से बचने के गुण को सुनिश्चित करने के लिए पनडुब्बी में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आधुनिक ध्वनि को सोखने वाली तकनीक, कम आवाज और पानी में तेज गति से चलने में सक्षम आकार आदि। इसमें दुश्मन पर सटीक निर्देशित हथियारों से हमला करने की भी क्षमता है। MDL ने कहा कि ये पनडुब्बी टॉर्पीडो से हमला करने के साथ और ट्यूब से लॉन्च की जाने वाली पोतरोधी मिसाइलों को पानी के अंदर और सतह से छोड़ सकती है। MDL ने आगे बताया कि परियोजना 75 के तहत निर्मित 2 पनडुब्बियां कलवरी और कंधेरी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तीसरी पनडुब्बी करंज समुद्री परीक्षणों के आखिरी दौर में है, जबकि चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी वेला ने समुद्री परीक्षण की शुरुआत कर दी है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो Warriors 400 को लेकर। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति से विश्व के ताकतवर देश भी चिंतित है। दोनों ही देश की सेनाएं आधुनिक हथियारों के साथ सरहद पर तैनात है। LAC पर बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए रूस की टेंशन भी बढ़ गई है। रूस ने कहा है कि अगर भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा तो पूरे एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी। इसके साथ ही रूस ने भारत को अपना ताकतवर हथियार S-400 जल्द से जल्द देने का आश्वासन भी दिया है। रूस ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल और इस तरीके के माहौल से अगर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका असर यूरेशिया क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा। रूस ने आगे बताया कि भारत के पास जल्द से जल्द S-400 मिसाइल प्रणाली देने के लिए रूस दिन रात काम करने में जुटा हुआ है। रूस ने कहा कि भारत को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति अगले साल के अंत तक हो जाएगी। रूसी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बेबिस्किन ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं और कई अरब डॉलर के सौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत एक इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर 200 कॉमोफ के का उत्पादन भी करेगी। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की 5 स्क्वाडन को खरीदने के लिए रूस के साथ करीबन $5 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि ब्रह्मोस को लेकर आ रही है। भारत और रूस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फिलीपींस और कई अन्य देशों को निर्यात करने की योजना बनाई है। रूस के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइल एक इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर द्वारा निर्मित है और इसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या भूमि प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल के निर्यात पर बातचीत से परिचित लोगों ने कहा कि भारत को अगले साल की शुरुआत में दक्षिण पूर्व एशियाई देश ब्रह्मोस के एक बैच की आपूर्ति के लिए फिलीपींस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। पिछले कुछ हफ्तों में कई स्थानों पर मिसाइल के नए संस्करण के कई परीक्षण भी किए गए हैं। मिसाइल के नए संस्करण की जो रेंज है उसे मूल रूप से 290 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। हालांकि इसकी गति को मैक 2.8 पर ही बनाए रखा गया है। दोस्तों साथ ही साथ भारत को यहाँ पर वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस डील करनी होगी, क्योंकि रणनीतिक रूप से जिस तरीके से चीन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है तो भारत का भी पूरा हक बनता है कि वो वियतनाम को पूरा सपोर्ट करे। और इसके अलावा भारत को ताइवान को भी, खास करके जो चीन का पहला प्रतिद्वंदी है ताइवान को भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ऑफर करना होगा और इससे भारत को रणनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए उसके पड़ोसी देशों को ताकत देना जरूरी है। अगले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो थलसेना प्रमुख को लेकर आ रही है। थलसेना प्रमुख ने अचानक से चमोली का दौरा किया। थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने उत्तराखंड के चमोली जिले से लगे भारत चीन सीमा क्षेत्र और अग्रिम चौकियों का हवाई निरीक्षण किया।
थल सेना अध्यक्ष ने माना पास में सेना की चौकियों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने नीति घाटी में नीति पास रिमखिम में भारतीय सीमा चौकियों का हवाई निरीक्षण भी किया। इसके बाद थल सेना अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर जोशीमठ स्थित सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के हेलीपैड पर उतरा। आपको बता दें कि चीनी सीमा करीबन 90 किलोमीटर तक चमोली जिले में है। जिले की नीति घाटी में स्थित नो मैंस लैंड बाराहोती क्षेत्र में चीनी सैनिक कई बार घुसपैठ करने की कोशिश कर चुके हैं। यहां अग्रिम चौकियों पर आईटीबीपी तैनात है। दोस्तों अब अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। दरअसल कल डिफेंस अपडेट में मैंने बताया था कि भारत और चीन के बीच तीन स्टेप्स में जो डीएक्सिलेशन है वो होगा, लेकिन अब जो बात सामने आई है, मैंने कहा था कि चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक चीन ने वैसे ही काम करके दिखाया। चीनी भोपू ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में जो अग्रिम चौकियों से भारत और चीन के सैनिकों, टैंकों, तोपों और हथियारों से लैस वाहनों को वापस लेने पर सहमति बनी ही नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारतीय मीडिया में अक्सर इस तरीके की गलत खबरें आती हैं। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बनी आपसी सहमति के अनुसार अब पीएलए अपने सैनिकों को फिंगर 8 से पूर्व की तरफ धकेलेगा, जबकि भारतीय सैनिक पश्चिम की तरफ फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच धनसिंह थापा पोस्ट की तरफ पीछे जाएंगे और ये काम स्टेप बाय स्टेप पूरा होगा। चीनी अखबार ने यह आरोप लगाया कि भारत एलएसी को लेकर गैर वास्तविकता का विचार रखता है और एक तरफा तरीके से ये मानता है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का उसका पेट्रोलिंग एरिया है। यानी कि आप समझ गए दोस्तों कि किस तरीके से हरकतें चीन की तरफ से अब सामने आ गई है कि वो किसी तरीके से पीछे हटने वाला नहीं है। देखते हैं दोस्तों कब तक डटा रहेगा। ये हमारे भी योद्धा है जो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, खड़े हैं वहां पर डट के, मुकाबला करेंगे और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी कर देंगे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।